as a young person, what are your praying challenges? For one thing, I've seen people say we get so bored. हमें मजा ही नहीं आता नमाज में, हम लेजी होते हैं, दिल नहीं चाहता उठ के नमाज पढ़ने को. हमारे दिमाग में बाबा क्वेश्चन आता है, मैं क्यों नमाज पढ़ूं? Why do I have to pray? अच्छा, what about my friends? They don't pray and they are very good people and there is no denial about it. I mean, ये तो नहीं है कि जो नमाज पढ़ रहा है वही बहुत अच्छा है, जो नमाज नहीं पढ़े वो बहुत बुरे हैं. नहीं, ये बात नहीं है. जो बहुत से अच्छे लोग हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, इसी बात की तो तकलीफ होती है. कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत हार्ड लगती है, कुछ कहते हैं मेरे पास इतने सारे काम है, आई हैव सो मच टू डू, मुझे टाइम ही नहीं मिलता. कुछ कहते हैं बिकॉज माई पेरेंट्स गेट वेरी एंग्री. आई हैव एक्चुअली सीन पेरेंट्स गेटिंग एक्सट्रीमली एंग्री एंड नेस्टी टूवर्ड्स देयर किड्स व्हेन दे आर नॉट प्रेइंग. वो कहते हैं इसलिए आई एम पुट ऑफ एंड आई डोंट वॉन्ट टू प्रे. या कुछ लोगों का ये भी चैलेंज होता है कि आई हैंग आउट विद द क्राउड हु डजंट, नॉट ओनली जस्ट कि वो नमाज नहीं पढ़ते, वो मजाक भी उड़ाते हैं उन लोगों का जो नमाज पढ़ते हैं. बहुत कुछ करने वाला है, मजा नहीं आता इसमें, तो हम नहीं पढ़ते. सो नमाज के लिए वी हैव टू रिमेंबर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एक तो हमें सीखना होता है हाउ टू प्रे, यानी आपका जितना अच्छा पोस्चर होता जाएगा ना पढ़ने का, आप सीखते जाएंगे, आप सही पोस्चर से सही तरीके से पढ़ेंगे, यू विल एंजॉय दैट. दूसरा, व्हाई एम आई डूइंग इट, यानी आप खड़े होकर एक एक पोस्चर को सही तरह से करें और साथ साथ सोचें कि व्हाई एम आई डूइंग इट. मैं आपको बताऊं, लाइक व्हेन आई एम वेरी हर्ट बाय समवन्स रिमार्क्स, व्हेन आई फील लाइक क्राइंग बट आई कांट इवन क्राई बिकॉज आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन आई फील सो ड्रेन्ड, व्हेन आई फील नोबडी इज डूइंग व्हाट आई वांट देम टू डू, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना किसी की गोद चाहिए. जैसे होता है ना, लाइक यू वॉन्ट टू पुट योर हेड इन समवन्स लैप एंड यू वॉन्ट टू जस्ट क्राई योर हार्ट आउट ओवर देयर एंड यू वॉन्ट टू फील के there is someone there who would listen to me and understand me as a human as well. To mere liye sabse zyada wo sajda hota hai. Ye jab main namaz padhti hu na to main sajde mein bilkul aise imagine karti hu ki bas main is tarah se bilkul I'm so close to Allah subhanahu wa taala aur mere dil mein jo jo baatein hoti hain, jo jo fears hote hain, jin jin baaton pe main, kabhi hota hai aapke loved ones aapko itni itni bitter baatein kehte hain jisse aap itne hurt ho rahe hote hain, लेकिन यू कॉन्ट इवन से एनी थिंग. और बोलो अगर आप उनको कहें भी तो कोई अंडरस्टैंड नहीं करता. सो ऑल आई डू इज बस मैं उस वक्त सजदे में मैं पूरा आई पोर आउट माई सेल्फ और फिर मुझे लगता है मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिल गई दोबारा. तो हाउ एंड वाई ऑफ प्रेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए आप देखें अल्लाह सुबहान तआला हैज गिवन अस 5 times. सुबह उठते ही अपने आप को एनर्जाइज करें, दोपहर को आप ड्रेन हो रहे हैं दोबारा नमाज पढ़ें, असर के वक्त पढ़ें, मगरिब के पढ़ें, यानी इन सब टाइमिंग्स को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आप देखेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर जो है बढ़ती है. और ये भी बात याद रखिएगा, इट्स नॉट जस्ट द क्वालिटी बट ऑल्सो द क्वांटिटी विच इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमें से बहुत से लोग क्या करते हैं, बस जल्दी 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 से नमाज पढ़ी, उसमें से सुन्नतें छोड़ दी. तो जितनी आप नमाजों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव करेंगे, दैट्स व्हेन यू नो यू विल गेट द इंपैक्ट. और फिर आपको ये देखना है कि हाउ हैप्पी आई एम इन डूइंग दीज एक्शंस, मुझे कितना मजा आता है. लाइक यू नो व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन क़याम तो मैं सोचूं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुबहान व तआला, व्हेन आई एम गोइंग डाउन इन माय रुकू एंड अगेन इन माय सजदा, यानी ईच एक्शन इज समथिंग विच रिलैक्सेज यू टू कोर और आपको उसमें फीलिंग आनी शुरू होती है और आनी चाहिए. वट इज आवर प्रॉब्लम, हमें क्यों नहीं ऐसे फील होता? आई एम श्योर some of you listening to what I'm saying right now either would be saying god chalo ji phir namazon ki baat ek amma batati thi ek ab phir teacher bhi bata rahi hain, yeah there is another possibility that we feel guilty. acha mujhe bahut se log milte hain jo kehte hain hame bahut guilt hota hai, we feel bad, we are not able to do it, we are not consistent, we see all these challenges but hame nahi samajh aati where is the problem. let me tell you what is the problem. the problem is within our heart. जब हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतनी नहीं ना होती जितनी होनी चाहिए, फिर ये प्रॉब्लम होती है. बिकॉज जब हमारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत होती है ना, हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हमें पता भी होता है कि किसी और को पता चलेगा तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता. यानी जितनी मैंने आपको चेकलिस्ट दी थी, हम उन सारे चीजों को बाईपास करके हम वो काम करते हैं इफ वी लव एंड केयर अबाउट समवन. तो क्योंकि हमारा अल्लाह से वो कनेक्शन ही होता, ठीक है
We have heard from our family members, our Islamic studies teacher or some religious teacher that we come across ki ji अच्छे काम करने चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए. हमने एक सुपरफिशियल लेवल पे इस बात को अंडरस्टैंड किया है, हमने दिल से नहीं महसूस किया, हमने हमने अल्लाह ताला के साथ अपने उस कनेक्शन को कभी चेरिश नहीं किया होता. आप जितना ज्यादा इसको चेरिश करेंगे ना, उतना ज्यादा आप देखेंगे द क्वालिटी ऑफ योर सलाह विल गेट एनहांस्ड. एंड रमजान इज वन टाइम व्हेन यू कैन स्पेशली वर्क ऑन दिस थिंग. So I want to give you a certain target, like, you know, I can tell you so many things about praying. Lekin I want to give you this one target for Ramadan, for your namaz, if you can work on that. And if you want to set yourself another target, mujhe koi problem nahi hai, aap jitne marzi target rakhe to bahut achhi baat ho jayegi. But mera target, jo main apne liye bhi rakhna chahungi aur main aapko bhi dena chahungi, wo ye hai ki coolness of eyes. Ab coolness of eyes kya hoti hai? Yani aap baithe mein aap bore ho rahe hain, थोड़ा सा इसको समझे ना और फिर हम अपने लिए कुछ डिफाइन करें. दैट वॉज अ डे जिस दिन आपकी अम्मी ने आपको अलाउ कर दिया कि सारा दिन आप लैपटॉप यूज करें. आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं और उन्होंने कहा ठीक है जी, आज तुम 24 आवर्स फोन भी अपने पास रख लो और आप इंस्टा पे और ट्विटर पे और अपनी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे और मूवीज और चैटिंग और गपशप और टिकटॉक और दुनिया जहां के यूट्यूब पे जो आपने करने कर रहे हैं, आपको इतना मजा आ रहा है और आपकी आंखें हैं कि थक ही नहीं रही हैं. यू आर लाइक यू नो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज लाइक यू नो व्हेन वी हैव दिस कूलनेस ऑफ आइस. आप खाना खाने गए हैं आपके घर वालों ने या फ्रेंड्स के साथ गए हैं ईट आउट और आपके सामने मेन्यू कार्ड आया है और उस पर मजे मजे के खाने के आइटम्स बने हुए हैं एंड दे लुक सो यमी के उफ, आप उनको देख रहे हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं ये वाला प्लेटर खाऊं, ये वाला खाऊं, पास्ता खाऊं तो पिज्जा खाऊं तो बर्गर खाऊं और ड्रिंक कौन सी ऑर्डर करूं. यू नो द काइंड ऑफ सुपर एक्साइटमेंट वी हैव एट दैट टाइम. इसी तरह से अगर आपका कोई वेकेशन का ट्रिप बन रहा है कि जी अभी तो खैर कोविड की सिचुएशन है एंड बिकॉज ऑफ दैट नोबडी इज ट्रैवलिंग, बट जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट लाइक यू आर अलाउड टू ट्रैवल एंड यू आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस. मैं कहां जा सकती हूं, हम कहां कहां घूम सकते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं और आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके साथ जो एक्साइटमेंट आपकी है, एक तो कूलनेस के लिए वो कि लाइक जिससे हमें आप थ्रिल्ड होते हैं, जो आपको इतना मजा देता है, आपका उस चीज को छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा होता, वो चीजें आप बार बार करना चाह रहे होते हैं, वो आपको बहुत प्लेजेंट लगती हैं, यू वॉन्ट टू कीप लुकिंग एट देम, यू वॉन्ट टू कीप इंजॉइंग देम एंड देन वेन यू इंटरनलाइज देम यू आर सो हैप्पी इनसाइड एज वेल. अगर हम थोड़ा सा चले जाएं इन द टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का, तो हमें क्या समझ आती है. यू नो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज ही वॉज गोइंग अराउंड एंड टॉकिंग टू पीपल और वो उनको एक चीज पे कन्विंस कर रहे थे और वो क्या बात थी, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, जो मैंने आपको शुरू में बताया अल्लाह की इबादत की तरफ लेकर जा रहे थे. लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा था, हाउ वॉज ही बींग ट्रीटेड, How was he being treated? क्या उनको लोगों ने वेलकम किया था? नहीं. क्या उनको लोगों ने चेरिश किया था? बहुत कम लोग थे जो मुसलमान हो रहे थे, बहुत कम लोग थे जो प्रैक्टिसिंग में आ रहे थे. ज्यादातर लोग तो टॉर्चर देते थे, मजाक उड़ाते थे, रिडिक्यूल करते थे, बहुत सी बातें सुनाते थे. यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे. इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम कि वहां पे वो रह के सारा दीन का काम भी करें और वही बात है कि सबको जो कुछ सिखाना चाहिए वो भी सिखाएं. बट वे डिड द प्रॉफिट गेट ऑल दिस स्ट्रेंथ, कहां से आई थी वो स्ट्रेंथ? वो नमाज से आई थी, अल्लाह से कनेक्शन से आई थी, अल्लाह से मोहब्बत से आई थी, दैट ही वॉज एबल टू हैंडल एवरीथिंग. अगर हम आज के टाइम्स में भी आ जाएं तो आप देखें कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स टू अस. देयर आर पीपल हु गेट एंग्री. How would you react if someone behaved badly with you? कोई आपसे एंग्री है तो आप क्या करेंगे? कोई आपके ऊपर शाउट कर रहा है, कोई हिट कर रहा है, आप क्या करें? कोई फॉरगिव करता है, नहीं करता, कंप्लेन है, इग्नोर, क्या करेंगे आप? किस तरीके से आप ये डिफरेंट बिहेवियर्स को, डिफरेंट इमोशंस को, चीजों को लेकर चलेंगे? क्योंकि हमें भी सिमिलर चैलेंजेस आते हैं और इसी वजह से हम कई दफा डिप्रेस हो जाते हैं, कई दफा एंशियस हो जाते हैं, कई दफा हमें लगता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ लो होती चली जा रही है,
बिकॉज हमें जो बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलते हैं बहुत सारे, और आजकल का सबसे स्ट्रांग बड़ा सीरियस किस्म का एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज इन द फॉर्म ऑफ दैट स्मार्टफोन एंड द सोशल मीडिया दैट यू आर कॉन्स्टेंटली अटैच टू, जहां से कोई चाहे ना चाहे अनसेट तरीके से आपके ऊपर हर तरह के प्रेशर्स आ रहे होते हैं. इन सारे प्रेशर से कोप करने के लिए आपको यही काम करना होगा जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया. लाइक गेट दिस नरेशन दैट अ मैन सेड, आई हर्ड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, ओ बिलाल कॉल इकामा फॉर प्रेयर, गिव अस कंफर्ट बाय इट. या बिलाल अकीम अस्सला अरिहना बिहा, कि नमाज जो है वो पढ़ाओ एंड गिव अस कंफर्ट थ्रू इट. तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम कंफर्ट लेते हैं सोशल मीडिया से, हम कंफर्ट लेते हैं ईट आउट करने से, हम कंफर्ट लेते हैं अपनी लाइफ को इंजॉय करने से, हाउ अबाउट इफ दिस रमजान यू मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ एंड यू से कि मैंने नमाज की क्वांटिटी को भी इंप्रूव करना है, मैंने नमाज की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है. ट्राई दिस पैकेज फॉर द मंथ ऑफ रमजान एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, स्टार्ट बाइंग बुक्स, स्टार्ट लिस्टिंग टू सम सेशंस ऑनलाइन बाय सो मेनी स्कॉलर्स. आपको यूट्यूब पे इतने मिल जाएंगे, आप छोटे छोटे 10 मिनट्स 5 मिनट्स की क्लिप डेली एक सुनना शुरू कर दें, जिसमें यू नो यू गेट द मोटिवेशन व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट प्रेइंग. एंड रमजान में ट्राई टू सेट दिस टारगेट के लेट मी इन माई हार्ट bring in love of Allah subhanahu wa ta'ala through Quran. क्योंकि वही बात है, शैतान बंद है, जन्नत खुली है, जहन्नम भी बंद है, अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिवॉर्ड को मल्टीफोल्ड किया हुआ होगा. सो दैट विल बी द टाइम जब आपके लिए इस मैसेज को भी अंडरस्टैंड करना और इंटरनलाइज करना आसान होगा. दैट विल बी द टाइम यू विल बी गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज. आप रोजा रख के आप तरावी भी पढ़ रहे हैं, आप सहरी भी कर रहे हैं, आप उस टाइम पे फजर की नमाज आपकी मिस होने के चांसेस कम होते हैं, और क्योंकि आप रात को जाके आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रहे हैं, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. लेकिन उसमें कोई जिसे कहते हैं ना कि उस मजे को ऐड करना है जिससे आपको कूलनेस ऑफ आइस वाली फीलिंग हो. और आपको पता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो चीज मुझे बहुत एम्बैरस करती है जब मुझे लगता है कि मेरी नमाज आज अच्छी नहीं हुई, द स्टोरी ऑफ मिराज, जिसमें अल्लाह सुबहान तआला ने हमें गिफ्ट दिया था. कौन सा गिफ्ट था? 50 प्रेयर्स का. हम सब ने ये स्टोरी पढ़ी हुई है. और मूसा अलैहि सलाम ने बार बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजा था कि आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ेगी, एंड अल्लाह सुबहान तआला कीप कटिंग इट डाउन टिल 5 नमाजें रहेगी. उस वक्त भी मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि नहीं, अभी भी आप जाएं अल्लाह तआला से काम करवाएं, आपकी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ेगी. और उस टाइम पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इट्स एम्बेरसिंग फॉर मी, मैं नहीं जा सकता अब अल्लाह ताला से कहने के लिए. और उस टाइम पे अल्लाह ताला की तरफ से क्या कहा गया था कि जो 5 नमाजें भी पढ़ेगा उसको 50 नमाजों का रिवॉर्ड मिलेगा. सो उस टाइम पे मैं हमेशा सोचती हूं कि 5 नमाजें पढ़ने से मुझे 50 का रिवॉर्ड मिल रहा है. एक मुझे ये ख्याल आता है, दिस इज मोटिवेटिंग. दूसरा ना, मुझे वो जो सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट होती है कि यू नो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना वो फील हुआ उस वक्त कि मेरी उम्र 5 नमाजें भी नहीं पड़ेगी. सो लेट मी प्रूव कि नहीं, इंशाल्लाह आई विल पुट इन एफर्ट और मैं 5 नमाजें अपनी पढ़ूंगी. और बाकी हम जिस तरह की एक्टिविटीज में बिजी होते हैं, वो 5 नमाजें पढ़नी भी एक हमारे लिए एफर्ट होती है. सो जब हम ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ग्रांट अस द एबिलिटी टू रीच रमजान, तो इसमें हम अपना टारगेट सेटिंग शुरू करते हैं. और अगर हम ये बहुत बड़ा अपने लिए टारगेट रखें कि मैंने अपनी नमाजों की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, और मैंने उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे वर्क करना है, और मैंने इसलिए नहीं करना जस्ट बिकॉज लाइक यू नो माय पेरेंट्स वांट मी टू डू इट टू मेक देम हैप्पी, बट आई एक्चुअली नीड दैट कनेक्शन. और मैं जब उस कनेक्शन पे काम करूंगी तो दिस इज गोइंग टू हेल्प मी नेक्स्ट 11 मंथ्स. और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर रमजान आएगा, फिर आई कैन सेट माई सेल्फ अनदर टारगेट फॉर सलाह, और फिर मैं अपनी नमाज की किसी और एक एरिया को, एक और एंगल को भी जो है वो इंप्रूव करने की तरफ जा सकती हूँ. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.